75 कोल विधानसभा क्षेत्र के गांव कोछोड़ निवासी कुमारी पूजा दिवाकर 24 वर्षीय की उम्र में बनी सबसे पहली ब्लॉक प्रमुख। उनके पिता अपनी खेती बाड़ी करके पालन पोषण करते हैं। पूजा तीसरे नंबर की हैं। पूजा ने 2018 में बीएससी बीएड की परीक्षा पास की। पूजा एक होनहार लड़की है। वह अपने पिता के सपने को पूरा करना अपना फर्ज समझती है, जो कि आज एक ब्लॉक प्रमुख धनीपुर बनी है। पिता 25 वर्ष से राजनीति में हैं। वहीं ग्राम प्रधान जितेंद्र कुमार कुशवाहा का कहना है कि वह हमेशा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती थी और कहती थी, मेरा एक सपना है कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मुझे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने चुनाव लड़ाया और मुझे धनीपुर ब्लॉक प्रमुख चुना गया। मैं क्षेत्र की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम मिटी न्यूज। क्या नाम है आपका? पूजा दिवाकर। आप उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र में ब्लॉक प्रमुख चुने गए हैं, तो आपको ब्लॉक प्रमुख बनने के बाद में किस तरह का महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मतलब मैं सबसे कम उम्र की मतलब एक लड़की हूँ जो ब्लॉक प्रमुख बनी हूँ। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था अचानक मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब मेरे पापा का सपना था कि मैं मतलब ब्लॉक प्रमुख बनूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना। तो आपके पिताजी इस पॉलिटिकल लाइन में पहले से थे या अभी जल्दी में ही? नहीं, मेरे पापा पहले से ही पॉलिटिशन में थे, मगर मुझे पहली बार मौका मिला है। आप ब्लॉक प्रमुख पद लेने के बाद में किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी को। आपने अपने गांव और क्षेत्र के विकास के लिए कुछ सोच रखा होगा कि भविष्य में हम इस प्रकार से विकास कराएंगे, ऐसा कुछ है आप बताओगे थोड़ा सा? मैं चाहती हूँ कि मेरे मतलब गांव में एक गर्ल्स कॉलेज, इंटर कॉलेज खुले और उसमें ही एक लाइब्रेरी हो, जैसे कि वहाँ से पढ़ने के बाद गर्ल्स हैं वहाँ स्टडी कर सकें और कॉलेज में पढ़ सकें। हाँ, इसके अलावा आपने कुछ और क्षेत्र के कुछ गांव वगैरह ऐसे देख रखे होंगे जहाँ विकास की कमी है, उनके लिए आपने क्या सोच रखा है, क्या करना उचित रहेगा? मैं मतलब देखूंगी वहाँ जाके क्या कमी है, तो उसको सोचूंगी कि मतलब क्या करना है। जैसे कहीं पे बहुत गंदगी वगैरह भी होती है, तो वहाँ ऐसा अच्छा होना चाहिए, पेड़ लगे और पार्क हो, मतलब घूमने के लिए अलग जैसे पार्क होना चाहिए जैसे। यानी कि आप गांव को एक सिटी के रूप में देखना चाहते हैं? जी जी जी। तो इसके लिए आप पूरा योगदान करेंगे? जी। आपने अपने गांव में देखा होगा कि काफी गंदगी वगैरह सब कुछ मिलती है, तो उसके लिए आपने प्रधान जी को कोई इंट्रेक्शन वगैरह दिए हैं अभी तक? अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो मैं उनको बोलूंगी कि मतलब क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि मेरे गांव में जो मतलब मेन चीज है, कहीं गलियां बहुत बेकार बनी हुई है, सड़कें कहीं तो अच्छी है, कहीं मतलब बहुत बेकार है, तो मैं चाहूंगी पहले वो सब ठीक हो जाए। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि आपके ही गांव में जिला पंचायत भी आपके गांव में, ब्लॉक प्रमुख भी आपके गांव के और प्रधान जी भी आपके गांव के, जी, जी, जी। तो इन तीनों के होने के बावजूद भी गांव का विकास तो चहुमुखी होना चाहिए। जी, होगा, बिल्कुल होगा।